नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा एसएससी जीडी रिजल्ट है, जो कि काफ़ी दिन से नहीं आ रहा। उस पर तमाम तरह के वीडियो बन चुके हैं, काफ़ी यूट्यूबर जैसे असाब अंसारी भी आज एक वीडियो डाल दिए हैं। एसएससी जीडी का रिजल्ट सभी लोग वेट कर रहे हैं, कब आएगा कब नहीं आएगा, बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा आज तक एसएससी जीडी का रिजल्ट जो है लेट हुआ है। एसएससी ने आज तक में सबसे ज़्यादा लेट इसी एग्ज़ाम के रिजल्ट में किया है। तो हम लोग इस पर जो मुहिम चला रहे हैं कि एसएससी जीडी का रिजल्ट जल्द जारी हो, नहीं तो इसके लिए धरना करेंगे या फिर ट्विटर कैंपेन करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में एक दिन ट्विटर कैंपेन हुआ, उसका असर ज़्यादा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं हुए, वीडियो को शेयर नहीं किया जा रहा था। तो हम लोग आज ट्विटर कैंपेन के लिए एक नई डेट रखते हैं। जैसा कि हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए सोच रहे थे, लेकिन हमारे अजय भाई ने कुछ टीचर से बात की तो उसमें विचार विमर्श में सभी लोगों ने यही कहा कि अभी हम लोग एक दो बार ट्विटर कैंपेन करके देख लेते हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर एसएससी नहीं सुनती है तो हमारा फिजिकल प्रोटेस्ट जारी हो जाएगा। तो अजय भाई हमारे बताएंगे कि नई ट्विटर कैंपेन की डेट क्या है, या फिर किससे बात हुई, क्या बात हुई और क्या हुआ, किस तरह से आगे हमको ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना है या फिर फिजिकल प्रोटेस्ट करना है, तो हमारे अजय भाई बताएंगे आपको। अजय भाई नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। जैसा कि हम सभी को पता है भाई, एसएससी ने अपना भाई ऐसा रूप हम लोग को दिखाया है कि भाई जो हम लोग भाई कभी सोचे नहीं थे। ठीक है, इतने दिन से भाई रिजल्ट के लिए हम लोग को बिल्कुल परेशान किया जा चुका है यार। सभी लड़के परेशान हो चुके हैं, फिजिकल करने वाले भाई जिनका भी भाई कोई और एग्ज़ाम लगाया तो भाई वो लोग सोच रहे हैं कि हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करें कि फिजिकल की तैयारी करें। भाई सभी लोग सस्पेंस हैं, बिल्कुल बनाए रखे हैं भाई। तो इसीलिए भाई अब हमने भाई एसएससी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की भाई, बिना विनती की भाई कि आप लोग प्लीज़ रिजल्ट दे दीजिए। ठीक है, हम लोग आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते गलत, लेकिन आप भाई एसएससी वाले बिल्कुल एकदम मोटी चमड़ी के हो गए। ठीक है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। जैसे हम लोग कुछ भी बोलें, उनको कोई भी वीडियो बनाएं, कुछ भी, उन लोगों को कोई बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भाई हमारा यही मानना है कि अब हमें भाई एकजुट होकर भाई आवाज़ उठानी है भाई, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि हम लोग भाई एक डेट को निर्धारित किए हैं। ठीक है, और उस पर भाई आगे सभी लोग को भाई प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, तो भाई डेट जो निर्धारित हुई है भाई, हमारे आपको आपके जो एसएससी के जितने भी टीचर्स हैं सबसे हमने भाई बात की। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी किसी से कॉल पे बात की, तो भाई सभी लोगों ने कहा कि पहले एक बार ऑनलाइन प्रोटेस्ट करके देखा जाए, उसके बाद भाई देखेंगे कि अगर जैसे कि मान लीजिए अगर ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने के बाद अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई हम जाके एसएससी के ऑफिस के बाहर धरना भी देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, अगर आप लोग के साथ जुड़े हैं भाई तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे, जब तक रिजल्ट निकलवा नहीं देंगे। तो भाई हमारा मानना है कि सिर्फ एक डेट भाई जो चाहिए हमको भाई, हमने भाई सभी लोगों से विचार विमर्श करके भाई 10 जुलाई को भाई डेट रखी है। ठीक है, और वो जो डेट है भाई उस पर सभी लोग को भाई एकजुट होना है। ठीक है, जैसे अभी एक डेट आई थी उस पर भाई ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए थे, तो भाई प्लीज़ आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाई ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे भाई। भाई मैं तो उस दिन जुट जाऊँगा, कम से कम 1000 से 1500 रीट्वीट मारूंगा, इतना मेरा टारगेट है। आप लोग भी भाई कम से कम 100 रीट्वीट तो जरूर मारो। ठीक है, ट्वीट रीट्वीट जितना कर सको भाई, जितना शेयर कर सको फैला सको, सभी को भेजो। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी आवाज़ भाई अगर हमारा ट्वीट अगर ट्रेंडिंग में जाएगा तो भाई मीडिया भी गौर करेगी, शायद हमारा मुद्दा उठाए तो भाई तभी रिजल्ट आना भाई मुझे लग रहा है भाई पॉसिबल है। वैसे तो बिल्कुल भाई मोटी चमड़ी वाले लोग भाई कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे। हैशटैग भी लोगों को आज बता दीजिएगा। हाँ, हैशटैग भाई SSC GD रिजल्ट जो #SSC GD Result 2। ठीक है, हमारा यही है, और इस पर भाई जितना आप लोग भाई क्या कहते हैं ट्वीट कर सकते हो उतना आप लोग ट्वीट करो। ठीक है, दबा के ट्वीट रीट्वीट करते रहो। ठीक है, और हम भाई मिलेंगे आपको भाई जिस दिन 10 तारीख को हमारी 10 तारीख को सुबह हम लाइव भी आएंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि कैसे भाई अपना कैंपेन स्टार्ट करना है। ठीक है, हम सुबह से ही स्टार्ट कर देंगे अपना कैंपेन शाम तक भाई बिना रुके हुए। सब वर्ड SSC GD रिजल्ट 2 जो है उसमें सब कैपिटल है, स्मॉल है, अंडरस्कोर है, कैसे है कुछ देखिए उसमें क्या है। SSC आपका जो है SSC कैपिटल है, SSC GD कैपिटल है। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपका जो है वो रनिंग राइटिंग में है। ठीक है, आर कैपिटल में, बाकी सारा रनिंग राइटिंग में। ठीक है, SSC GD रिजल्ट 2 जो 2 है आपका उसमें डी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। ठीक है, तो उसमें आपका भाई और चारों के बीच में
अंडर स्कोर है वैसे एक बार, ठीक है। मैं आपको भाई क्या कहते हैं, मैं आपको अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये यही है अपना क्या कहते हैं ट्रेंडिंग है, मतलब ट्वीट जिसको हमें ट्रेंड कराना है, ठीक है। और बाकी मैं सुबह आके भाई एक बार ट्वीट आपको या उसके एक दिन पहले बता दूंगा आपको भाई कि हमारा जो भाई हैशटैग है वो क्या है, ठीक है। आप लोग को एकदम पक्का एकदम मैं अपने चैनल पे भाई पोस्ट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग को सभी लोग को जुड़ जाना है भाई, और लगातार भाई रीट्वीट ट्वीट जितना कर सको भाई उतना करो, ठीक है। शेयर करो बस दबा के, क्योंकि ऐसे भाई ये लोग सुनने वाले नहीं है, ठीक है। और अमन भाई भी हमारे कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग सुनना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों जैसे कि सर ने और अजय भाई दोनों ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ट्विटर कैंपेन हुआ और इस पर आप लोग एकजुट नहीं हुए। भाई मैं आपको एक वाक्य बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी यहाँ यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हुआ क्या था, लड़के करवाए थे, ठीक। 60,000 वैकेंसी थी और 60,000 लड़कों ने फॉर्म भरा था, ठीक। और उसमें से ऐसा एक लड़का नहीं था जिसने लखनऊ जाके धरने में साथ ना दिया हो, पर लेकिन आप लोग, वो स्टेट वैकेंसी थी, यूपी पुलिस स्टेट की वैकेंसी थी, पर आप लोग का केंद्र का वैकेंसी है, सेंट्रल की वैकेंसी है, फिर भी आप लोग एकजुट नहीं हो पाए। भाई 47,00,000 लोग जहाँ फॉर्म यार फिलअप किए थे, आप लोग इकट्ठा हो जाते ना आज ही रिजल्ट दे देती SSC, पर आप लोग हैं तो भाई अब क्या ही बताया जाए यार। जैसे मैं हूँ, अजय भाई हैं, सब लोग एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं बेटा कब रिजल्ट आएगा। अब बेटा क्या ही बताया यार, SSC क्या ही सोच रही है, अब क्या ही बताया यार। CPSI का एग्ज़ाम हुआ, टेंटेटिव आंसर की जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। CHSL का हुआ, इसका भी एक दो दिन में कर देंगे। अरे GD कहाँ गई यार, GD को भूल गए हो क्या यार, आंसर की निकालने के बाद GD को भूल गए हो SSC वालों। बस भाई आपसे यही क्वेश्चन है कि आप लोग जैसा अजय भाई ने बताया कि 10 तारीख को #SSC GD रिजल्ट दो, इस पर ट्विटर कंप्लेन करना है। एक बंदा कम से कम 1,000 बार रिट्वीट करेगा, ठीक है, तभी हम लोग का जो अंदर से दिल की बातें हैं वो सरकार के सामने आ पाएगी और SSC के सामने आ पाएगी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ भाई कि आप केवल रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करो, जितने भी बंदों को जोड़ पाओ, इस वीडियो को जो देख रहा है भाई, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि भाई SSC के जो कर्मचारी हैं उनके पास तक पहुँच जाए कि बच्चों का दुख कैसे है, वो ग्राउंड पर कितना पसीना बहा रहे हैं कितना नहीं बहा रहे हैं, ये SSC नहीं देख रही है। पर आप लोग और मैं दोनों ग्राउंड लेवल पे हैं और ग्राउंड लेवल से ही जुड़े हुए हैं, कहीं आप सड़क पे दौड़ रहे हैं तो मैं कहीं ग्राउंड पे दौड़ रहा हूँ, पर देखिए रनिंग सबकी चल रही है और उसमें कोई है रनिंग भी नहीं कर रहा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रनिंग आपकी नहीं हो पाएगी, तो फिर आप रोएंगे भी कि रिजल्ट भी लेट हुआ और टाइम भी नहीं मिला। भाई टाइम तो नहीं मिलेगा 100%, 10 से 12 दिन का टाइम मिलेगा आपको फिजिकल तैयार करने के लिए। अगर आपके पास क्षमता हो, जिगर हो, जुनून हो तो कर लेना, नहीं तो स्टार्ट कर दो रनिंग। रिजल्ट यार अब 10 तारीख को ट्विटर कंपेन होगा भाई, इससे पहले हम लोग को रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। और कुछ भी हो जाए, कहीं भी चलना पड़े, अगर कुछ भी होता है, ट्विटर पे होता है, यूट्यूब पे होता है, या कहीं प्रोटेस्ट की तैयारी होती है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की तैयारी होती है, तो आप लोग उसमें साथ दीजिए, ठीक है। हम लोग चलेंगे साथ में, मैं सुधेश सर और अजय भाई तीनों लोग चलेंगे साथ में, ठीक है। तो भाई बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग यार भाई SSC वो है ना, जितना गर्मी दिल नहीं तोड़ती, उतना SSC ने बार बार लड़कों का दिल तोड़ा है। भाई लड़कों का दिल यार थोड़ा सा यार समझो यार, थोड़ा सा भावनाओं को समझो यार SSC वालों, कि रिजल्ट तो दे दो यार टाइम से, अब क्या ही करोगे यार। अब कोई मान लो गाँव का लड़का है, वो केवल SSC GD की वैकेंसीज के ऊपर वो निर्भर है कि उसने SSC GD की एक अच्छे तरीके से 7-8 महीने तैयारी की और अच्छे से स्कोर कर लिया और उसके बाद रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। अब वो क्या करे, कमाने जाए या रनिंग करे या अपना मेडिकल सुधारे, अब क्या करे भाई, आप लोग ही बता दीजिए भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई आप लोग एकजुट हो जाइए, जहाँ एकजुट होंगे भाई, ये 5 उंगली दिख रही है, जब ऐसे बंद कर देखो तो एक क्या बनती है, मुट्ठी, ठीक। जब तक ये साथ में रहती है तो भाई इसके अंदर की चीज जो इसके अंदर बंद किए हो, इसके अंदर की चीज बाहर नहीं जाएगी। जैसे एक खुली, दो खुली, तीन खुली, चार खुली, सब भाई जो भी हाथ में रहेगा गिर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये मुट्ठी बनने का प्रयास करिए, उंगली नहीं। तो दोस्तों सुधेश सर आपको कुछ बताएंगे, आप लोग सुधेश सर से कुछ जान लीजिए। देखिए भाई, जैसा कि अजय और अमन ने बताया कि SSC GD के लिए हमको ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, तो हमारा हैशटैग जो है, अजय भाई ने बता दिया है #SSC GD रिजल्ट 2, तो हम लोग उसी को
ट्रेंडिंग में नंबर वन पर लाने का प्रयास करेंगे और ये तभी हो सकता है जब हम लोग एकजुट होंगे। अगर एकजुट होंगे तभी हम लोग अपनी ये लड़ाई जीत पाएंगे। जैसा कि अमन और अजय भाई ने बताया कि हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, एकजुट होंगे तभी हम लोग अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। जैसे कि अभी एक ट्विटर कैंपेन हुआ लेकिन उसमें हमारी जीत क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँचे ताकि हमारा ये ट्विटर कैंपेन सफल हो सके। जैसा कि अमन भाई ने बताया कि यूपी पुलिस का जो था फिजिकल प्रोटेस्ट, उसमें हम लोग क्यों सफल हो गए, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी, इसको सफल होना ही होना था। इसी तरह से हम लोगों को ट्विटर पर तो कम से कम घर में बैठ करके तो अपना कर ही सकते हैं हम ट्विटर कैंपेन। इसमें इतना ट्वीट कर दीजिए कि एसएससी भी हिल जाए रिजल्ट देने को। तो हम लोग 10 तारीख को, दिन बुधवार है, उस दिन #SSCGDResult2 को नंबर वन पर ट्रेंडिंग में रखेंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। और हम लोग भी सुबह से लेकर के, आपसे वादा है कि सुबह से लेकर के जब तक न खाना न पीना न कुछ नहीं, जब तक नंबर एक पर नहीं लाएंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। ट्रेंडिंग में नंबर वन पर लाना है और ये एकजुट होंगे तभी हो पाएगा। तो हमको जो बताना था हमने बता दिया, सभी को एकत्रित होना है और 10 जुलाई को हम लोग #SSCGDResult2 को ट्रेंडिंग में नंबर वन पर रखेंगे। और हमारी बात यहीं तक थी, उसके बाद अगर SSC नहीं मानती है अगला प्रोटेस्ट अब फिजिकल होगा, SSC ऑफिस के सामने होगा और उसकी भी डेट हम लोग 10 तारीख के जस्ट बाद बताएंगे। तो मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।